हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्च सो ये वीडियो है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है दिसंबर 2023 में एंड इस सीरीज़ में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ टेन थाउजेंड एम सी क्यू क्वेश्चन जिसमें मोर देन थर्टीन वीडियो जो हैं वो इस चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं इस सीरीज़ में एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा गुजरात गवर्नमेंट का लेक्चरर का एग्जामिनेशन हुआ था डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज के लिए जो कि जीपीएससी ने कंडक्ट कराया था 2010 में तो इस क्वेश्चन पेपर के एम सी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2010 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था सो उसका लिंक एंड इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा क्वेश्चन पेपर उसके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड इस पेपर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टोटल हंड्रेड एम सी जो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए थे सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो so पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलिंग ड्रग्स इज मेटाबोलाइज टू अ साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट सो कौन सा मेटाबोलाइट जो है वो एक साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट में मेटाबोलाइज होता है सो द ड्रग इज़ फाइव फ्लोरो यूरोसिल फाइव फ्लोरो यूरासिल कंपाउंड जो है ड्रग जो है वो आपका एक साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट में मेटाबोलाइज होता है बेसिकली फाइव फ्लोरोसिल जो है वो फ्लोरोक्सी यूरोडिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है जिसको एब्रीवेट किया जाता है एफ डी यू एम पी इस प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होता है एंड ये कॉम जो कंपाउंड है वो आपका थाइमिडाइलेट सिंथेज एब्रीवेटेडास्टीस इसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ में ये आपका डी टी एम पी दैट इज डी ऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन को इन्हीबिट कर देता है अब जो ये थाइमेडिन डी ऑक्सी थाइमिडिन मोनोफोसफेट है ये आपका डी एन ए रेप्लीशन एंड रिपेयर में काफ़ी असेंशियल रोल प्ले करता है एंड इसकी इन्हीबिशन की वजह से आपके Uh, जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी uh, जो है वो प्रोड्यूस होती है तो so, इसमें फाइव फ्लोरा यूरोसिल का जो साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट होता है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट शो साइटोटॉक्सिक दैट इज सेल साइकिल स्पेसिफिक सो सेल साइकिल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिसिटी कौन सा ड्रग जो है वो शो करता है सो द ड्रग इज़ मिथोट्रेगजिट मिथोट्रेगजिट शो सेल साइकिल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिसिटी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल एजेंट एग्जिबिट्स द ग्रेटेस्ट सेलेक्टिव साइटो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इनवेडिंग वायरस सो कौन सा ऐसा एंटीवायरल एजेंट है जिसकी इन्वेडिंग वायरस के अगेंस्ट काफ़ी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है सो द ड्रग इज़ ए साइक्लोवेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड एस्परिन भी कॉन्ट्राइंडेटेड सो किस कंडीशन में एस्पिरिन को कॉन्ट्राइंडेट किया जाता है सो इट इज कॉन्ट्राइंडेटेड इन पेप्टिक अल्सर पेप्टिक अल्सर कंडीशन में इन in, कॉन्ट्राइंडेटर रहती है आपकी एस्पिरिन ड्रग देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाटर सोल्यूबल सब्सटांस यूज एज अ कोटिंग मटीरियल इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस सो माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस में कोटिंग मटीरियल की तरह यूज होने वाला वाटर सोल्यूबल सब्सटांस कौन सा है सो इट इज हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टेन परसेंट ऑइंटमेंट कैन बी मिक्स विद टू पार्ट्स ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑइंटमेंट टू गेट ट्वेल्व परसेंट ऑइंटमेंट तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी थ्री थ्री पार्ट्स हम टेन परसेंट ऑइंटमेंट के मिक्स करेंगे टू पार्टस ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑइंटमेंट में ताकि हमें ट्वेल्व परसेंट ऑइंटमेंट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिल सके तो so, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है तो जो हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास रहेगी सो so उसमें हम सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे बाकी इसमें आपका एलिगेशन मेथड जो है वो अप्लाई होगा एंड एलिगेशन मेथड से इसका आंसर जो है वो काफ़ी इजीली जो है वो निकल आएगा सो so अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट्स इज सो रिटार्डेंट मटीरियल हमें फाइंड आउट करना है जो कि हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स फॉर्म करता है मैट्रिक्स टैबलेट की फॉर्मुलेशन में सो इट इज़ एच पी एम सी हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेलुलोर्स सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स इज बाय तो फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स में पार्टिकल साइज को कैसे मेजर किया जाता है तो इसके लिए कैसकेड इम्पैक्टर एंड लाइट्स कैटेडी के ये दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है सो so, इसमें पी एंड क्यू जो वो है वो करेक्ट आंसर रहेंगे दैट इज ऑप्शन ए द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एस ऑफ़ एम्पीसीलिन एम्पीसीन के माइक्रोबायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एस्टे के लिए कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है तो इट इज बेसिलस सप्टेलिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ड्रग याद रखना है एम्पीसीलिन किस चीज़ के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल एस एम्पीसीन के लिए क्या यूज़ किया जाता है टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है दैट इज बेसिलस सर्टिलस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस अ पिगमेंट ड्यूरिंग देयर ग्रोथ हैविंग तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है अपनी ग्रोथ के टाइम पे जिसका कलर कैसा होता है सो इट इज रेड इन कलर सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स सॉलिड इन अ सस्पेंशन इज यूजली ग्रेटर देन तो डिस्पर्स सॉलिड का पार्टिकल साइज किसमें सस्पेंशन में कितना होना चाहिए सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5 पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ सील कॉटिंग इन शुगर कॉटिंग प्रोसेस फॉर टैबलेट्स इज सील कोटिंग एक स्टेप है शुगर कोटिंग प्रोसेस में तो so, उस सील कोटिंग का पर्पस क्या रहता है तो इट्स पर्पस इज़ टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर सो शुगर कोटिंग जो प्रोसेस है इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं तो so, हर एक स्टेप का आपको यूज़ जो है वो पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट so, क्वेश्चन पे चलते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोस इज द मोस्ट वाइडली यूज डायलुएंट इन द टैबलेट फार्मूलेशन हाउएवर इट इज़ नॉट यूज इन द फार्मूलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो लेक्टोस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डायलुएंट है टैबलेट फार्मोलेशन में लेकिन ये इनमें से किस ड्रग में यूज़ नहीं किया जाता है सो पायराजनामाइड इव्यूप्रोफिन एंड सल्फा एसिटामाइड इन तीन ड्रग्स में लेक्टोस यूज किया जाता है एज अ डायलुन लेकिन आइसोनियाजाइड में इट इज़ नॉट यूज लैक्टोलोस जो है वो लैक्टोस जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन थाउजेंड नैनोग्राम इक्वल्स टू वन वन थाउजेंड नैनोग्राम्स कितने ग्राम्स के इक्वल रहता है सो इट इज़ वन थाउजेंड नैनोग्राम जो है वो माइक्रोग्राम के इक्वल रहता है एक माइक्रोग्राम के इक्वल होता है आपका वन थाउजेंड नैनोग्राम सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग लाइकॉन ऑफ स्टिरोडल स्टेपोनिन कॉमनली रेफर टू है स्पाइरोस्टेन ड्यू टू स्पाइरो करेक्टर ऑफ तो जो हमारे स्टीरोयडल सेपोनिन होते हैं उनका जो एग्लाइकॉन पार्ट होता है उसको स्पाइरोस्टेन कहा जाता है किसकी वजह से ड्यू टू द स्पाइरोक्टर किस कार्बन के स्पाइरो कैरेक्टर की वजह से इसे स्पाइरोस्टेन कहा जाता है सो इट इज़ कार्बन नंबर ट्वेंटी टू कार्बन ट्वेंटी टू की वजह से कार्बन ट्वेंटी टू का करेक्टर जो है वो रहता है आपका स्पाइरो करेक्टर जिसकी वजह से इस कंपाउंड को स्पाइरोस्टेन कहा जाता है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफेड्रा सिनिका एंड एफेड्रा इक्सेंशिया कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टाइप ऑफ तो एफेड्रा सिनिका और एफेड्रा इक्सेंटिया को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है तो so, इस पर डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज ब्रांचिंग जो है अलग अलग टाइप की होती है दोनों में एफेड्रा सिनिका एंड एफेड्रा इक्सेंटिया में सो so, ब्रांचिंग के टाइप पे इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा टर्पिनइड्स इंक्लूड विच ऑफ़ द फॉलोइंग सो टेट्रा टर्पिनॉयस में इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो आते हैं सो so, इसमें आपके कैरोटीन्स जेंथोफेल्स एंड कैरोटिनोइडिक एसिड ये तीनों कंपाउंड्स जो हैं वो आपके टेट्राटोपिनॉयस में आते हैं सो so, इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑल ऑफ द अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन एक्ट वाई सो बिन ब्रिस्टिन बिन क्रिस्टिन एंड बिन ब्लास्टिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सो दे एक्ट बाय बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की बाइंडिंग से ये अपना एक्शन शो करते हैं एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन्स जो आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है उसको क्रूड ड्रग की परसेंटेज प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें आपका क्या रहता है तो इसमें वेल डिफाइंड पार्टिकल्स को काउंट किया जाता है वेल डिफाइंड पार्टिकल्स को लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में काउंट किया जाता है अब इसका आप फार्मूला एक होता है फार्मागोगनोसी वाली बुक में आपको मिल जाएगा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का फॉर्मूला सो so वो आप पढ़ लीजिए उसके जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए कितना उसमें एरिया रहता है एंड कितने स्पोर्ट्स रहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सेल्स इन टिश्यू कल्चर कैन बी आइसोलेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सो टिश्यू कल्चर में जो सिंगल सेल्स होते हैं उनको किस मेथड से आइसोलेट नहीं किया जा सकता है तो इसमें मोकैनिकल मैथड एनजाइमेटिक मैथड एंड सस्पेंशन मैथड ये तीन मैथड्स आपके रहते हैं जिनकी हेल्प से आइसोलेट कर सकते हैं हम सिंगल सेल्स को टिश्यू कल्चर में लेकिन फिल्टर पेपर मेथड से हम सिंगल सेल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिवर टेस्ट फॉर टेस्टोस्टिरोड्स द कंपाउंड इज डिजॉल्व इन सो लिवरमैन बुर्चार टेस्ट जो कि स्टीरोइड्स के लिए रहता है उसमें कंपाउंड को किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है सो द कंपाउंड इज डिज़ोल्व इन क्लोरोफॉम क्लोरोफाम में इसको डिज़ोल्व किया जाता है दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सो रूटीन को इनमें से किससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है किस में ये प्रेजेंट नहीं होगा सो सफोरा जेपोनिका फेगोपायरम एस्कोलेंटम एंड यूकैलेप्टस मैक्रोरका इन तीनों में आपका रूटीन जो है वो प्रेजेंट होता है एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट रूटीन फ्रॉम दीज थ्री बट जिंको विलोवा में रूटीन प्रेजेंट नहीं होता है सो वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट रूटीन फ्रॉम जिंको विलोवा सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंकोना रोबस्टा इज अ हाइब्रिड ऑफ सो सिंकोना रोबस्टा किसकी हाइब्रिड है सो इट इज अ हाइब्रिड ऑफ सिंकोना सक्सी एंड सिंकोना ऑफिस इनालिस सक्सी एंड ऑफिस इनालिस दैट इज ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजीनिया कैरेफाइलस यूजीनिया कैरेफाइलस के जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उसका माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर स्टिक हमें फाइंड आउट करना है सो so, इसमें कॉलन काइमेटस पैरन काइमा होता है ठीक है इसमें कॉलन काइमेटस पैरन काइमा होता है जिसमें आउटर पार्ट जो है वो न्यूमरस एलिप्सॉइडल सच जो लाइसिजेनस ऑयल ग्लैंड से भरा होता है तो इसमें ऑप्शन ए ही जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डी द शेड्यूल इन डी एंड सी एक्ट दैट डील्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ डिस इनफेक्टेंट फ्लूड्स सो डिस फ्लूड्स के स्टैंडर्ड्स के साथ कौन सा शेड्यूल आपका डील करता है सो इट इज शेड्यूल ओ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हमने ज्यूज स्टूडेंट्स में भी ये वाला डिस्कस किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स इज सो कौन सा शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर नए ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर की गाइडलाइन एंड उसकी रिक्वायरमेंट के साथ डील करता है सो दिस शेड्यूल इज शेड्यूल बाय ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स सो जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स कितने होने चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स की बात की गई है तो so, इसमें आपके सिक्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डी एज पर डी एंड सी एक्ट इज़ कंसर्न विद यहाँ पे शेड्यूल डी के बारे में पूछा गया है तो शेड्यूल डी में आपका रहता है उन सभी ड्रग्स की लिस्ट जो जिनके लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स ठीक है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बहुत सारे ड्रग्स जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है ड्रग्स के इंपोर्ट के प्रोविजन से तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट पर्पर टू प्रिवेंट और क्योर ये आपका शेड्यूल जे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिस आपका शेड्यूल एम आ जाता है एंड एक शेड्यूल टी में भी आता है लिस्ट ऑफ प्रस्क्रिप्शन ड्रग आपका शेड्यूल एच रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इनमें से स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन सा है सो इट इज़ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है स्टेट के मेडिकल ऑफिस का सो वो ही आपका एक्स ऑफिशियल मेंबर भी रहता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजट बाय तो ऑफिशियल गैजट में जो एजुकेशन रेगुलेशन है उनको कौन पब्लिश करता है दे आर पब्लिश बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स एरोजोल एज पर शेड्यूल एम ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्टेज सो कॉस्मेटिक एरोजोल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल एरिया कितना रिक्वायर्ड रहता है एज पर शेड्यूल एम सो द एरिया इज थर्टी मीटर स्केयर थर्टी मीटर स्क्र एरिया जो है वो रिक्वायर्ड रहता है किसके लिए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक एरोजोल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डी आर एल एंटीजन इज टू बी टेस्टेड एंड एनालाइज्ड बाय द सो बी डी आर एल एंटीजन जो है बी डी आर एल एंटीजन को टेस्ट किया जाता है एंड एनालाइज किया जाता है किसके थ्रू सो दीज आर टेस्टेड बाय द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ठीक है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया टेस्ट और एनालाइज करता है बी डी आर एल एंटीजन को बी डी आर एल आपका होता है बैनरील डिजीज़ रिसर्च लेबोरेट्री टेस्ट ये सिफिल्स के लिए आपका टेस्ट रहता है सो so, इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरम फेनिकोल कम्स अंडर शेड्यूल सो क्लोरोमफेनिकॉल फेनिकोल के शेड्यूल के अंडर आती है सो इट कम्स अंडर शेड्यूल एच शेड्यूल एच में आपकी आती है क्लोरम फेनिकोल सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइट्स सो मोनोसेक्राइट्स का जनरल फार्मूला क्या रहता है सो इट इज़ सी एन एच टू एन ओ एन ठीक है सी एन एच टू एन ओ एन मोनोसेक्राइट्स के लिए जनरल फार्मूला रहता है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ पोलीसेक्राइटसज पोलीसेक्राइड्स के लिए जनरल फार्मूला क्या रहता है आपका सो इट इज़ सी सिक्स एच टेन ओ फाइव होल एन सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्डोस शुगर इज सो अल्डोज शुगर क्या है सो अल्डोज शुगर इसमें आपकी रहती है ग्लिसरोज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्राइस शुगर इज सो ट्राइव शुगर कौन सी है सो ट्राइज शुगर है आपकी अगेन ग्लिसरोज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंटोस शुगर इज सो पेंटो शुगर का एग्जाम्पल क्या है सो इट इज राइवुलोस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंटो शुगर मेनली प्रेजेंट इन द हर्ट मसल इज हर्ट मसल में कौन सी पेंटो शुगर जो है वो मेनली प्रेजेंट होती है सो इट इज

ग्लूकोज के सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शुगर्स विच डिफर फ्राम वन एन अदर ओनली इन कन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन ऐटम आर टर्म डेज सो दो ऐसे शुगर जो कि एक दूसरे से सिर्फ सिंगल कार्बन ऐटम की कन्फिग्रेशन की वजह से डिफर करते हैं उन को क्या कहा जाता है सो दीज आर नॉन ऐज एपीमर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलोकार्पिन इज एन सो पिलोकार्पिन क्या है तो so, पिलोकारपिन जो है वो पिलोकार्पिक एसिड का एक इलेक्ट्रॉन डेरिवेटिव है सो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपीमर ऑफ ग्लूकोस सो ग्लूकोस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एपीमर कौन सा है सो इट इज़ गैलेक्टोज गैलेक्टोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीमर ऑफ ग्लूकोस सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमर्स डिफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कन्फिग्रेशन ऑफ द ओ एच एंड एच ऑन कार्बन एटम्स टू थ्री एंड फोर ऑफ ग्लूकोज आर नॉन एज सो ग्लूकोज के जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन पे जो कार्बन एटम होते हैं उन कार्बन आइटम पर जो हाइड्रोजन एंड ओ एच ग्रुप अटैच होता है उसकी कन्फिग्रेशन की वेरिएशन की वजह से जो आइसोमर्स होते हैं उन आइसोमर्स को क्या कहा जाता है सो दीज आर नॉन एज एपीमर्स ठीक है इन्हें कहा जाता है एपीमर्स सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रजेंट इन बैसाका लीफ बैसाका लीफ में कौन से टाइप का स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है सो इट इज़ डायासाइटिक्स स्टोमेटा यहाँ पे होगा आपका डायासाइटिक स्टोमेटा सो ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्युमिर हॉडोपसिन इज स्टेबल ओनली एट अ टेम्परेचर बिलो सो ल्यूमिर हॉडोस्पिन जो है वो कितने टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है सो so, ये आपका लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रहता है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से नीचे ठीक है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस है इसके नीचे ये स्टेबल रहेगा सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन आर सो विटामिनस क्या है सो so विटामिन हमारे एक्सेसरी फूड फैक्टर्स रहते हैं दैट इज ऑप्शन ए सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए और रेटिनल इज सो विटामिन ए जिसका अदर नाम होता है आपका रेटिनल वो क्या है सो so, ये एक पोली आइसोप्रिनोइड कंपाउंड है जिसमें साइक्लोहैजीनल रिंग प्रेजेंट होती है सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोटीन प्रीकर्सर ऑफ विटामिन इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय तो विटामिन ए का जो कैरोटीन प्रिकर्सर है वो कैसे क्लीव होता है ठीक है कैसे टूटता है सो इट इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय कैरोटीन डाई ठीक है कैरोटीन डाई से क्लीव होता है ऑक्सीडेटिवली कौन विटामिन ए का कैरोटीन प्रिकर्सर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सोल्यूबल विटामिनस आर तो फैट सॉलीवल विटामिन की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं तो so, जो हमारे फैट सॉलीवल विटामिन दैट इज़ ए डी ई एंड के तो ये अल्कोहल में सॉलीवल रहते हैं एक या एक से ज़्यादा इनकी प्रोपीन यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं एंड लीवर में स्टोर होते हैं तो so, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी फैट सॉलीवल विटामिनस की तो so इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ़ द अबाव ऑल ऑफ दीज इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए सप्लाइड बाय तो जो प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए है वो कैसे सप्लाई होता है या उसका क्या सोर्स रहता है तो ये प्री विटामिन आपका मिल्क में मिल जाएगा फैट में मिल जाएगा एंड लीवर में सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनॉल एंड रेटिनल आर कन्वर्टेड, रिक्वायरिंग डी हाइड्रोजनेस और रिडक्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ सो रेटिनॉल एंड रेटिनल कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कन्वर्टेड है मीन्स ये आ गया आपका रेटिनॉल एंड यहाँ पे आ जाएगा रेटिनल सो रेटिनॉल रेटिनल में भी कन्वर्ट हो जाएगा एंड रेटिनल जो है वो रेटिनॉल में भी कन्वर्ट हो जाएगा सो so, इसके लिए इनको रिक्वायरमेंट रहती है एक तो डी की या फिर रिडक्टेज की किसकी में सो so, इसमें एन ए डी एच एंड एच पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट रहती है सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनल इज रिड्यूस टू रेटिनॉल इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वाइस स्पेसिफिक रेटिनल डिहाइड रिडक्टेज यूटिलाइजिंग तो सेम क्वेश्चन है अलग वे में पूछा गया है कि रेटिनल को कन्वर्ट रिड्यूस किया जाएगा रेटिनॉल में कहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में रेटिनल डिहाइड रिडक्टेज की हेल्प से जिसमें आपका एन और डी एच पॉजिटिव जो है वो यूटिलाइज होगा तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाले की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए इज इक्विवेलेंट टू द एक्टिविटी कॉज बाय तो विटामिन ए की इंटरनेशनल यूनिट जो है वो कितनी एक्टिविटी कॉज करती है कितने एक्टिविटी के इक्विवेलेंट रहती है सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू वन माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए अल्कोहल सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला व्हाट डिफरिंग इन स्पेशल कन्फिग्रेशन आर नॉन एज तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है लेकिन अपने स्पेशल कन्फिग्रेशन की वजह से डिफर करते हैं सो दीज कंपाउंडस आर नॉन एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाउंड टू रेटिनॉल ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में किसके साथ बाउंड करके सो इट इज बाउंडेड विद एपो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एपोरेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड so, करता है आपका रेटिनॉल ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग प्रेपरेशन्स विच वन विल बी द मोस्ट इरीटेटिंग टू द आई सबसे ज़्यादा इरीटेटिंग आई में कौन सी प्रेपरेशन रहेगी प्योरीफाइड वाटर जीरो पॉइंट सेवन परसेंट एनएसएल जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एन एस सी एल और वन परसेंट एनएसएल सोल्यूशन सो जो मोस्ट इरीटेटिंग रहेगा आई के साथ वो रहेगा आपका प्योरीफाइड वाटर दैट इज ऑप्शन ए सो ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स वर्कस ऑन द प्रिसिपल ऑफ अट्रीशन एंड इम्पैक्ट सो कौन सी मिल जो है वो इम्पैक्ट एंड डट्रीशन दोनों प्रिंसिपल पर काम करती है सो so, ये आपकी रहती है फ्लूड एनर्जी मिल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सो इसके अलावा एक और मिल लास्ट वीडियोज में भी मैंने डिस्कस किया है कि कौन सी मिल जो है वो इम्पैक्ट एंड अट्रीशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है एक तो आ गई आपकी फ्लूड एनर्जी मिल दूसरी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि दूसरी कौन सी मिल है जो आपकी इम्पैक्ट एंड अट्रीशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्सीपिय फॉर एनहांसिंग सोलिबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर सो करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है जो कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में सॉलिबिलिटी को एनहांस करता है सो इट इज पी ई जी दैट इज़ पोली इथाइलिन ग्लाइकोल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है पीईजी जी पोली इथाइलिन ग्लाइकोल सोलिबिलिटी को एनहांस करता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर द सीरम कंसनट्रेशन टाइम कर्व ऑफ अ ड्रग ड्रग प्रजेंट्स सो सीरम कंसनट्रेशन टाइम कर्व में जो एरिया होता है सो so वो क्या रिप्रजेंट करता है सो इट रिप्रजेंट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग ऑब्जॉर्व कितना अमाउंट ड्रग का ऑब्जॉर्व हो रहा है वो रिप्रजेंट करता है क्या एरिया अंडर द सीरम कंसेंट्रेशन टाइम कर्व सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऊना पार्टे कंटेन्स तो ऊना पार्टे टर्म है ये क्या कंटेन करती है सो इट विल कंटेन जिंक ऑक्साइड एंड बोरिक एसिड ठीक है जिंक ऑक्साइड एंड बोरिक एसिड कंटेन होती है किस में आपकी ऊना पार्टे टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिंग इन अ टैबलेट्स ड्यू टू सो टैबलेट में जो कैपिंग होती है वो किस वजह से होती है क्या उसका रीजन रहता है सो so, कैपिंग होती है आपकी एंट्रैपमेंट ऑफ ईयर की वजह से अगर टेबलेट ग्रैन्यूल्स में अगर एयर एंट्रैप हो जाएगी तो so उसकी वजह से कैपिंग होगी दैट इज सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप ट्यूब इन एन एरोजोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम बिच वन ऑफ द फॉलोइंग तो डिप ट्यूब एरोजोल कंटेनर की किससे बनी होती है सो इट इज़ मेड अप ऑफ ली प्रोपाइलिन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाईमीटर ऑफ मैश अपर्चर इन द आई पी डिसंटीग्रेशन टेस्ट अप्रेटस इज गिवन बिलो सो आई पी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अप्रेटस है उसका जो मैश अपर्चर रहता है उसका डायमीटर क्या होता है सो इट्स डायमीटर इज टू एम एम टू माइक्रोमीटर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज़फुल टू इंक्रीज़ द एफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी बाय एरोजोल्स सो कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़फुल रहता है एरोजोल्स के थ्रू ड्रग डिलीवरी को एफिशियंटली इंक्रीज़ करने के लिए ठीक है एरोजोल्स में ड्रग डिलीवरी की एफिशेंसी को इंक्रीज करने के लिए कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है सो इट इज़ मीटर्ड वॉल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज़ेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज़ सो बैक्टीरियल निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज़ेटिव एजेंट कौन सा है मोस्ट कॉमन कॉज़ेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया सो इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडीन डिफर्स इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाय सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोडीन मॉर्फिन से कैसे डिफर करता है स्ट्रक्चर में तो so ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से डिफरेंट होता है कोडीन मॉर्फिन में मिथॉक्सी ग्रुप मॉर्फिन कोडीन में प्रेजेंट होता है जबकि मॉर्फिन में ओनली हाइड्रोजन उस प्लेस पे प्रेजेंट रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंगुआया मेरिन बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ तो सेंगूिया मैरिन किस ग्रुप को बिलोंग करता है सो इट बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ बेंजाइल आइसोकिनोलेंस दैट इज़ ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है डोवर्स पाउडर यूज्ड एज अ डायोफॉरेटिक कंटेन्स सो डोवर्स पाउडर जो कि डाफोरेटिक की तरह यूज़ किया जाता है सो इट इज इपेक एंड ओपियम तो so, ये कुछ मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो कि हमने गुजरात डग इंस्पेक्टर दो के क्वेश्चन पेपर में भी देखे तो so, हमारी अप्रोच इस बार यही रहेगी कि जो भी इस साल के गुजरात में एग्ज़ाम्स हुए हैं फार्मेसी रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन पेपर्स भी हम इस सीरीज़ में इंक्लूड करें क्योंकि सिमिलर ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द डाइमर ऑफ फ्लेबॉन्स एंड फ्लैनॉन्स फ्लेबोन एंड फ्लैनोन्स का डाइमर कौन सा है सो इट इज़ बाई फ्लैबोनोइड्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोकिनोलिन अल्कोलोइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय डैश पाथवे आइसोकिनोलिन अल्कोलोइड किस पाथवे से बायोसिंथेसाइज होते हैं तो दे आर बायोसिंथिसाइज बाय शिकमिक एसिड ट्रिप्टोफेन पाथवे से सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ प्रिकर्सर फॉर इंडोल अल्कोलोइड्स इंडोल अल्कोलोइड्स का प्रिकर्सर कौन सा है सो इट इज़ स्ट्रिक्टोसिडिन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो so इसमें आपका जो ट्रिप्टामाइन है एंड सेकोलोगेनिन ठीक है ये दोनों कंडेंस होके आपका क्या बनाते हैं दे विल फॉर्म स्ट्रिक्टोसिडिन जो कि कॉमन प्रिकर्सर रहता है आपका इंडोल अल्कोलोइड्स के लिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथेरेंथिन इज एन अल्कलॉइड ऑफ डैश टाइप तो कैथेरेंथिन किस टाइप का अल्कलॉइड है सो इट इज़ द इवोगेन टाइप ऑफ अल्कलॉइड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट काइंड ऑफ करंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पोलोग्राफिक बेवस आर सो पोलैरोग्राफिक बेव्स के लिए कौन से टाइप का करंट जो है वो रिस्पॉन्सबल रहता है सो इट इज रेजिडुअल करंट माइग्रेशन करंट एंड डिफ्यूज़न करंट तो ये तीनों टाइप के जो करंट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पोलेरोग्राफिक बेब्स के लिए सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव जो है वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनीट्रेटिंग पावर तो किस रेडिएशन की पेनीट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है सो इट इज़ गामा रेडिएशन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी प्रोड्यूस इन द यूवी रीजन प्रोड्यूस चेंजेस इन द तो जो एनर्जी यूवी रीजन में प्रोड्यूस होती है वो किस चीज़ में चेंजेस प्रोड्यूस करती है तो ये आपका जो भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रहती है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक अनर्जी ऑफ़ द मोलिक्यूल इसमें चेंजेज आते हैं यू रेडिएशन की वजह से बाकी वाइब्रेशन आई आर में आपका वाइब्रेशन आ जाएगा सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेब लेंथ ऑफ रेडिएशन इज फाइव माइक्रॉन वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट इज फाइव माइक्रोन के करस्पॉन्डिंग वेव नंबर के कितनी वेब लेंथ रहती है ठीक है ये आपकी वेब लेंथ दी गई है इसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर बताना है सो इट इज़ टू थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज तो लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है सो इट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है so, में इन एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ केप्टस्टेंट तो एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में इनमें से किसको कांस्टेंट रखा जाता है सो so, जो चीज़ कांस्टेंट रखी जाती है वो होती है आपकी वोल्टेज जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है एम्पेरोट्रिक टाइट्रेशन में उसे कॉन्स्टेंट रखा जाता है किस में पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी कैलोरीमीटर सो कैलोरीमीटर के ऊपर ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए तो so कैलोरीमीटर में जो अब्जॉर्ब रेडिएशन इंटेंसिटी होती है उसे मेज़र किया जाता है क्या चीज़ मेजर की जाती है अब्जॉर्ब रेडिएशन इंटेंसिटी सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर क्रिटिकल फ्लूड क्रोमेटोग्राफी स्पेसिफिकली यूज फॉर एनालिसिस ऑफ तो जो सुपर क्रिटिकल फ्लूड क्रोमेटोग्राफी है उसे स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है किसकी एनालिसिस के लिए तो इट इज़ यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ थर्मोलेवाइल मॉलिक्यूल्स थर्मोलेवाइल मैक्रोमोलॉलीक्यूल्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरफेरॉन फिल्टर कंसिस्ट ऑफ सो इंटरफेरॉन फिल्टर में क्या रहता है सो so इसमें आपकी ग्लास की सॉलिड शीट रहती है जिसको पिगमेंट से कलर किया जाता है सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा अमोनियम अमोनीयम फॉस्फेट इज़ यूज इन एच पी एल सी सो एच पी एल सी में टेट्रा ब्यूटाइल अमोनीयम फॉसफेट का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है तो so, ये आपका यूज होता है एज अ स्टेशनरी फेज सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसीप्राम इज मेटाबोलाइज इन लीवर मेनली बाई सो डेसीप्र डेसीप्राम ड्रग जो है वो लीवर में कैसे मेटाबोलाइज होता है सो इट इज मेटाबोलाइज बाय एन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज होता है डेसिप्रामिन सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अमाइनोपिरीडिन एंड टू डाई मिथाइल अमाइनो इथाइल क्लोराइड आर स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ तो टू अमाइनो पिरीडिन और टू डाई मिथाइल अमाइनो इथाइल क्लोराइड किस ड्रग की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटीरियल रहते हैं सो दीज आर द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मी पायरामिन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायूरेटिक एजेंट क्लोरथाइजाइड ठीक है इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका क्लोरथाइजाइड के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर है तो so, ये है आपका ड्रग डाइजॉक्साइड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेन्जेशन ऑफ एन एम हाइड्रोक्सी फिनाइल वन एन पैराटोलाइल ग्लाइसिन विद इथाइलिन डाइमाइन गेप्स तो दो कंपाउंड दिए गए हैं इसमें एक तो इथाइलिन डाइमाइन एंड दूसरा है एन मेटाहाइड्रोक्सी फिनाइल वन एन पैराटोलाइल ग्लाइसिन इन दोनों की कंडेंसेशन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा सो द प्रोडक्ट विल बी फेंटोलामाइन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर तो ये दोनों आपको याद रखने हैं क्या क्या हैं क्योंकि इसमें फैंटोलामाइन के सिंथेसिस के बारे में पूछा गया है पिछले क्वेश्चन में सिमिलर स्ट्रक्चर पूछा गया था एंड उससे पिछले में मी पायरामिन के सिंथेसिस के बारे में पूछा गया था तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द आई यू पी एस सी नेम ऑफ स्टिल बेस्ट्रोल इज स्टिल बेस्ट्रोल का आई यू पी एस सी नेम क्या है तो so इसका आई यू पी एस सी नेम आपका रहता है ई e, अल्फा बीटा डाई इथाइल स्थिल्वीन फोर फोर डैश डाइओल सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है जी पैट में भी ये पूछा गया है फार्मासस्ट एग्जाम में भी ये पूछा गया है इस एग्ज़ाम में भी ये आया है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इनोस्टिरोल इज सिंथिस स्टार्टिंग फ्राम तो डाई इनोस्टिरोल ड्रग जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है तो so, इसका जो स्टार्टिंग है आपका रहता है वो रहता है हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सो इथाक्राइनिक एसिड किस डायूरेटिक क्लास को बिलोंग करता है सो इट इज अ लूप डायूरेटिक ड्रग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिफेलोस्पोरिंस लेक्टम रिंग इज फ्यूज विद सिफेलोस्पोरिन में लेक्टम रिंग किससे फ्यूज होती है किसके साथ जुड़ी होती है सो इट इज फ्यूज विद द दयाजोलिडीन सिस्टम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लेक्टेमेज इन इनमें से बीटा लेक्टेमेज इन कौन सा है सो इट इज क्लेबुलेनिक एसिड क्लेबुलेनिक क्लेबोनिलिक एसिड जो है वो आपका बीटा लैक्टमेज इन्हीवेटर है सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलाइसिस विद अल्कली गिव्स सो अल्कली के साथ हाइड्रोलाइज होने पे पेनिसिलिन कौन सा प्रोडक्ट देती है सो इट इज पेनीसिलोइ एसिड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेनिसिलिन की डिग्रेडेशन पे जितने भी प्रोसेस हैं वो आपको पढ़ने रहते हैं सो so, अल्कली के साथ हाइड्रोलाइज होने पे पेनिसिलोइक एसिड प्रोडक्ट हमें मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द थैरापिटिक इफ़ेक्ट ऑफ थियोफाइलिन इज़ अचीव्ड एज प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सो थियोफाइलिन का जो थेरापिटिक इफ़ेक्ट है वो कितनी प्लाज्मा कंसनट्रेशन पे अचीव किया जा सकता है सो इसमें प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है वो आपकी रहती है टेन टू ट्वेंटी माइक्रोग्राम पर एम नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ वन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो जो फ़ेज़ वन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हैं वो इनमें से कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो so इसमें आपका एस्टरेजिज प्रोसेस जो है वो फेज़ वन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में नहीं आता है सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजफुल इन ट्रीटिंग कम्प्ली कम्प्लेक्स पारशल सीजर एक्सेप्ट इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए यूजफुल नहीं है सो द ड्रग इज़ इथोसक्सीम ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बाकी फिनोबाबिटल कार्बामाजिपिन एंड फिनाइटोइन ये तीनों ड्रग जो हैं वो कंप्लेक्स पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए यूजफुल रहते हैं सो so, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो so, इसमें कंडीशन दी जाती है एक तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये रहता है सो so, क्वेश्चन है अ फिफ्टी ईयर ओल्ड मेल फार्म वर्कर इज ब्रॉड टू द एमरजेंसी रूम ही वॉज फाउंड कन्फ्यूज इन दर कार्ड And since then lost consciousness, his heart rate is 45 and his blood pressure is 80 by 40 mmhg He is sweating and salivating profusely. Which of the treatment is indicated? So यहाँ पे different conditions दी गई हैं and इसमें हमें find out करना है कि इस particular condition में उसे क्या चीज़ दी जानी चाहिए कौन सा drug जो है वो दिया जाना चाहिए। तो conditions क्या-क्या हैं? कि जो पर्सन है वो कंफ्यूज है ठीक है उसने कॉन्शियसनेस लूज कर दी गई है हार्ट रेट इसमें काफ़ी लो चला गया है फोर्टी फाइव ब्लड प्रेशर भी लो है एटी बाई फोर्टी एम एम स्वेटिंग इंक्रीज हो गई है सेलिवेशन भी इंक्रीज हो गई है तो so इस केस में उसको अगर एट्रोपिन दिया जाएगा तो डिफरेंट कंडीशंस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी सेलिवेशन स्वेटिंग हार्ट रेट भी बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी इसमें इंक्रीज़ uh, हो जाएगा तो so, ये सारी चीज़ें इसमें कंट्रोल हो जाएंगी सो एट्रोपिन विल बी द चॉइस फॉर दिस कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो so, इसमें पूछा गया है कि फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड मैन हु हैज़ बिन इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट इज़ ब्रॉट इन द एमरजेंसी रूम ठीक है एक फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड पर्सन है जो कि इंजर्ड हुआ है कार एक्सीडेंट में उसको एमरजेंसी रूम में लाया जाता है उसका ब्लड अल्कोहल लेवल जो है वो है 275 सेवेंटी फाइव पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स ने शो किया कि प्रायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अल्कोहल रिलेटेड सीजर्स उसकी वाइफ ने कंफर्म किया हिज वाइफ कन्फर्म्स दैट ही हैज़ बिन ड्रिंकिंग हैविली फॉर थ्री वीक्स वट ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इफ़ ही गोज़ इन टू विड्रॉल ठीक है अगर विड्रॉल के केस में जाएगा तो उसमें क्या ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी तो so, इसमें जो ड्रग इसमें दिया जाएगा वो रहेगा आपका फिनाइटॉइन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट एज सेंट्रल अल्फा टू प्री सैनेप्टिक रिसेप्टर तो सेंट्रल अल्फा टू प्री सैनिप्टिक रिसेप्टर कौन सा ड्रग है सो इट इज क्लोनिडिन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हमने इस पेपर के 100 एम सी कवर कर लिए हैं लास्ट हमने गुजरात डगर इंस्पेक्टर के 100 एम सी कवर किए थे एंड uh, कल मंडे है तो मंडे से हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे दोबारा से एंड नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे अगेन मैं दो क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आऊँगा सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच